संगारेड्डी एमएलए जग्गारेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि किसानों की जानिब से हो रहे खुदकशी के वाक़यात को दबा दिया जा रहा है और FIR दर्ज नहीं की जा रही है। जग्गारेड्डी ने बतलाया कि जुमा और हफ्ते के रोज़ 6 किसानों ने खुदकशी की है मगर पुलिस की जानिब से कोई केस दर्ज नहीं किया गया। मजीद तफसीलात मुलायजा फरमाइए। जितने नुकसान हुआ ज्यादा नुकसान तो होल सिटी से हुआ ना। भाई MIM MLA KCR घर को जाके भाई ये हमारे मुसलमान एक घर वालों को 50,000 नुकसान हुआ, इसको 50,000 देते नहीं देते बोल के उनको पूछे क्या? KCR को पूछे क्या? अच्छा सब MIM पार्टी पूछे? 7 लोग हैं MIM के MLA, आप लोग तुम्हारे पब्लिक के लिए जाके कहीं को नहीं पूछ रहे, वोटे के लिए आप कहीं को भटका रहे पब्लिक। अब बीजेपी का बोल रहा मैं, अभी बीजेपी वालों अभी चल रहा फेसबुक में चल रहा, या खेती को भूल गए या GLCB में गरीबों को या ऐसा कर रहे। भाई हमारा ये वजह है कि किसानों का जो नुकसान हुआ वो नुकसान पूरा जिम्मेदारी KCR साहब लेना है, अगर नहीं लिए तो किसानों के लिए हम किसानों को लाके आपके घर के नहीं बिठा के हम इसको इंसाफ करने तक हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तालिक से हम मैं मेरे कॉन्शियंस के हिसाब में मैं बात कर रहा हूं। मेरे कहने 4 मंडल है, 2 बलिया है, 4 कम से कम 100 विलेजेस है, 100 गांव है। मैं 100 गांवों के खेती करने वाले किसानों को लाऊंगा, खेती जो नुकसान हुआ सब लेके आके KCR साहब घर के बैठूंगा, उसका डेट भी आजकल 1-2 दिन में बोलूंगा, उसके लिए हड़ताल करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। ये नुकसान की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेना है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम हमारे किसान के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने का काम शुरू करे है, हम लड़ेंगे। अगर कितने दिन उन्हें क्या करता क्या नहीं करता वो बात है, हम तो किसानों को ये भरोसा तो दे रहा ना भाई, किसानों मत मारो हम है बोल के गवर्नमेंट तो नहीं बोलती, फिर भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम किसानों को मत आप लोग का सुसाइड मत कर लो, हम आपके साथ रहेंगे, जितना हो सके हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे, ये हम किसानों को आपके सामने मीडिया की तरफ से बोलेंगे।